हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है, जिसको आयुष्मान कार्ड भी कहा जाता है, कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है और उनका कैसे उपयोग किया जाता है। और उनका जो अभी अभी जैसे ही लॉन्च हुआ है और धीरे धीरे हॉस्पिटलों में सभी को सुविधाएँ दी जाएगी और इनका जो फ्री में इलाज किया जाएगा हेल्थ आईडी कार्ड के ज़रिए 5 लाख तक का, तो वो सभी प्रोसेस हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको हेल्थ आईडी लिखना होगा, ठीक है। हेल्थ आईडी ndhm.go.in पे ओके कर दें। आप ये टाइप ही करेंगे तो ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पे ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, और मैं इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा अपनी वीडियो के नीचे, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे चला रहे थे तो डेस्कटॉप साइट पे मोड कर लें इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सभी नीचे आप टर्म कंडीशन आपको देख सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया जाएगा। जैसे हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड है, इजी सिंगर पे है, और इसमें और वॉलंटरी है, वॉलंटरी आउटपुट इनपुट है, इसमें सभी चीज़ें साथ में दी जाएंगी। ये हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपका जो जितना भी रिकॉर्ड है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑटोमेटिक उसके पास पहले से ऑलरेडी हॉस्पिटल में आपका सभी रिकॉर्ड मौजूद होगा और आपको इलाज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपका इलाज फ्री में किया जाएगा। तो आईडी हेल्थ आईडी कार्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में इसमें दो ऑप्शन है, एक तो विदाउट आधार कार्ड से जिनका नंबर लिंक है वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता देता हूँ जिनके पास में मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में। तो यहाँ पर जनरेट वाया आधार पर ओके कर देते हैं। इस पे ओके करने के बाद में आप अपना आधार नंबर डाल दें। और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे आप एग्री पे, जैसे मैं सहमत हूँ, इस पे करके रोबोट नाउ पे ओके करें और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। यहाँ से आप इसको अपने आधार कार्ड नंबर को देख भी सकते हैं कि आपका नंबर है जो सही है नहीं है। जो नंबर है वो सही नहीं था, मैं दोबारा से फिल कर देता हूँ और मैं सबमिट पे ओके कर देता हूँ। अब एक ओटीपी आएगी जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी आएगी। अगर मोबाइल में वो डाला हुआ नंबर तो ऑटोमेटिक उसको वो आ जाती, फिल हो जाती है। और इसमें टाइम दिया होता है 80 सेकंड का, और उतना आप इंतज़ार कर सकते हैं, ओटीपी आ जाएगी। थोड़ा समय भी लग सकता है, आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वे के कारण सर्वे क्रश चलता है, तो उसके वजह से भी टाइम लग सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है किसी मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता तो भी ओटीपी नहीं आती। तो ये ध्यान रहे, ओटीपी तभी आएगा जब उस मोबाइल में रिचार्ज अवेलेबल होगा। तो हम ओटीपी टाइप कर देते हैं और एक बार हम स्क्रॉल करके नीचे ऊपर से फिर डाल देते हैं उसको और सबमिट पे ओके कर देते हैं। सबमिट पे ओके करने के बाद में आप मोबाइल नंबर डाल दें अपना और इस पे ओके कर दें। फिर दोबारा से एक ओटीपी आएगी, क्योंकि ओटीपी दो बार आएगा, ये ध्यान रहे। सबमिट पे ओके कर देते हैं फिर दोबारा से। और यहाँ पे देखिए सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ चुकी हैं, हर चीज़ इसमें, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी फ़ोटो, सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको मिल जाती है, कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाता है। इसमें दो चीज़ें होंगी जो आपको कंपलसरी वही भरना होगा, जैसे कि इसमें एक हेल्थ आईडी पीएचआर एड्रेस, तो ये आपको बनाने के लिए मैं बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं डाल दूँगा इसमें कैसे बनाना है, ठीक है, शो हो जाएगा।
जैसे सेम एक जीमेल आईडी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, और इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चेक करके देख लेंगे, पता लग जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो भी पता लग जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। तो हम नीचे एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं, हमने ईमेल आईडी डाल दिए, हमारा स्टेज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमें नाम है वो मिल रहा है, आप जैसा आपका ईमेल आईडी बना हो वैसा भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप नीचे सबमिट पे ओके कर देते हैं। सबमिट पे ओके करने के बाद में आपको ऊपर लिखा आ जाएगा, देखिए ग्रीन कलर में, वेरीफाई योर सक्सेसफुल डिटेल। तो जो हेल्थ आईडी कार्ड है वो देखिए बन के जनरेट हो चुका है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्यूआर कोड भी आपको दिख जाएगा, और इसके बाद मई बेनिफिट्स हैं वो भी देख सकते हैं, मई अकाउंट इसको भी आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो आपने जीमेल डाला है उस पर भी ये एक मेल के जरिए पहुँचा दी जाती है आपकी आईडी है जो, अब यहाँ से हम इसको ओपन करके देख सकते हैं पीडीएफ के ज़रिए। देखिए इसमें हेल्थ आईडी नंबर है जो वो भी मिल चुका है हमें, और जो पीएचआर एड्रेस है वो भी मिल चुका है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें डल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड है जो बना सकते हैं ऑनलाइन, जिनका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, और जिनका नहीं है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं फ़ोन पे ही घर बैठे हों। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो पसंद आई एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों से। आज के लिए इतना बस। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।